महान गणितज्ञ रामानुज भारत के उन महान गणितज्ञों में से एक थे जिनकी अद्भुत गणितीय अंतर्प्रज्ञा शक्ति से सारा देश ही नहीं बल्कि विश्व भी चकित था। इस असाधारण प्रतिभाशाली और महान युवा गणितज्ञ की मेगा प्रतिभा इतनी विलक्षण थी कि बाल्यावस्था से ही उन्होंने गणित में कई मौलिक सिद्धांत को न केवल जन्म दिया अपितु उनका प्रतिपादन भी व्यवहारिक रूप में विविध रूपों में करके दिखलाया। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कुंभकोणम शहर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनकी माता कोमलतामल धार्मिक संस्कारों वाली और रूढ़िवादी महिला थी। उनके धार्मिक संस्कारों की अमिट छाप रामानुज पर इतना अधिक थी कि उनका संपूर्ण जीवन इन्हीं संस्कारों की बलि चढ़ गया। उनके पिता साड़ी की दुकान पर 20 रुपये प्रति माह वेतन पर मुनिमी किया करते थे। बचपन से ही रामानुज अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के जिज्ञासु एकांत प्रिय और खेलकूद में अरुचि रखने वाले बालक थे। गणित के सभी प्रश्नों का हल वे अत्यंत कम समय में ही और पूर्णतः सही कर हल कर देते थे। गणित में अत्यंत उनके असाधारण ज्ञान को देखकर अध्यापक भी उनसे डरा करते थे। वे सवाल करते ही थे कि इससे पहले ही रामानुज उनके हल निकाल लिया करते थे। कठिन से कठिन सवालों के वे हल नए नए सूत्रों और विभिन्न पद्धतियों से इतनी सरलता से हल कर देते थे कि गणित के विषय के सभी शिक्षक उनकी प्रतिभा का लोहा मानते थे। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने 5000 सूत्र परमे और सांध्यों को स्थित करते हुए देशी नहीं बल्कि विदेशी विद्वानों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। वे उन प्रतिभाशाली गणितज्ञों में से एक थे जो स्टेप बाय स्टेप गणित के सवालों को हल करते थे। गणित को छोड़कर उनकी रुचि अन्य विषय में नहीं थी जिसके कारण गणित को छोड़कर अन्य सभी विषय में वे अनुत्तीर्ण हो जाते थे जिसकी वजह से उनकी छात्रवृत्ति छीन ली गई। रामानुज अत्यंत कोमल स्वभाव के थे। असफलता को वे सहन नहीं कर पाते थे और फेल हो जाने पर वे घर से भाग जाते थे ताकि उन्हें माता पिता का सामना न करना पड़े। उनके माता पिता अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के बाद भी उन्हें पढ़ाना चाहते थे। पुस्तकों और कॉपियों के खर्चों के लिए उन्होंने ट्यूशन करना प्रारंभ किया। ट्यूशन पढ़ने के लिए जो विद्यार्थी आते थे उन्हें रामानुज अपनी तरह मेगावी समझ कर पढ़ाते थे जिससे विद्यार्थी समझ नहीं पाते और अब उन्हें ट्यूशन मिलनी बंद हो गई। रामानुज अपने साथी विद्यार्थियों से पुस्तकें मांग कर पढ़ते थे और स्वयं गणित के सवालों को हल करते थे। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद रामानुज ने कुंभकोणम कॉलेज में प्रवेश लिया जहां उन्हें अंग्रेजी ग्रीक रोमन कायिकी इतिहास और गणित विषयों को भी पढ़ना होता था। 1909 में उनका विवाह जानकी से हो गया। उन्होंने पुनः ट्यूशन कार्य शुरू किया लेकिन साथ ही अपने गणित शोध कार्य को भी लिखना जारी रखा। उनका पहला शोध पत्र 1911 में जर्नल के तीसरे अंक में शीर्षक बर्नौली संख्या के कुछ गुण के 17 पृष्ठों का 8 परमों सहित प्रकाशित हुआ। उनके शोध पत्र से प्रभावित होकर 25 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति और क्लर्क की नौकरी मद्रास में मिली। 1912 में उनका परिचय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विख्यात गणितज्ञ हेनरी फ्रेडरिक बेकर ईडब्ल्यू हॉब्सन हेरल्ड से हुआ। प्रोफेसर हार्डी ने रामानुज की बहुमुखी प्रतिभा को देखकर और उनके शोध का मूल्यांकन करने के लिए इंग्लैंड बुलाने का निर्णय लिया। रामानुज धार्मिक और पारिवारिक बंधनों के कारण इंग्लैंड जाने को तैयार नहीं थे। 14 अप्रैल 1911 को रामानुज इंग्लैंड पहुंचे। वहां उनके अपेक्षाकृत स्वागत नहीं हुआ क्योंकि वे एक काले भारतीय थे। कुछ गणितज्ञ तो उनकी प्रतिभा से डरते और जलते थे लेकिन प्रोफेसर हार्डी ने जब रामानुज की 120 परमे की पुस्तक देखी तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन चमत्कारित शोध पत्रों के आधार पर उन्हें बिना परीक्षा के बीए की उपाधि मिल गई थी। इस बीच रामानुज के 21 महान शोध पत्र प्रकाशित हुए। वे 2 वर्ष के लिए इंग्लैंड आए थे लेकिन इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। 20 घंटे शोध कार्य वहाँ के ठंडे मौसम की मार और अथक परिश्रम वे किया करते थे। उन्हें नियमित रूप से शाकाहारी भोजन मिलना भी नसीब नहीं हो रहा था। वे चावल खाए बिना नहीं रह पाते थे और इधर विश्व युद्ध के कारण जहाज से चावल मिलना भी दुर्लभ हो गया था। धार्मिक संस्कारों के कारण वे ठंडे पानी से सुबह 4 बजे उठकर स्नान किया करते थे और इन सब कारणों से उनके शरीर को कमजोर बना दिया गया। आमाशय रक्त विचार और फिर कैंसर का रोगी बना दिया। सन 1917 में ट्रिनिटी फेलोशिप पाने से वंचित होने के कारण गहरी हताशा में पड़ गए थे। उनकी सेवा के लिए कोई नहीं था। गांव में भी उनकी पत्नी छोड़कर चली गई। अरुचिकर भोजन
प्रतिकूल मौसम की मार और निराशा से गिरे रामानुज एक बार तो अस्पताल से शहर पर बाहर निकले और ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या का प्रयास कर ही रहे थे कि सौभाग्यवश उन्हें ढूंढते हुए हार्डी आए और उन्हें किसी तरह बचा लिया। वे उन्हें अस्पताल ले गए और शारीरिक अस्वस्थता के बीच भी वे शोध कार्य में लगे रहे। रामानुज को रॉयल सोसाइटी ने फेलोशिप हेतु निर्वाचित कर दिया। वे इतने दुर्बल अवस्था में थे कि इन सम्मान समारोह में भी नहीं जा सके। बाद में उन्हें ट्रिनिटी फेलोशिप भी प्रदान की गई। वे उन्हें 50 पाउंड की वार्षिक छात्रवृत्ति मिला करती थी। उन्होंने इसे अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए और शेष निर्धन छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए स्वीकार किया। बीमारी की इस अवस्था में 1920 में रामानुज ने 650 सूत्र और प्रमे का विभिन्न पद्धतियों से उदाहरण सहित हल किया और पुनिंदा सर जॉन एंड्रूज को सौंपा। महान गणितज्ञ रामानुज इतने प्रभावशाली थे कि वे अपने अंतर्प्रज्ञा से परमोत्तक को क्रमबद्ध तरीके से पहुंचाने के बजाय मारुति छलांग लगाकर सीधे सर्वशुद्ध मान तक पहुँच जाया करते थे। उनकी यह देवीय प्रतिभा अंग्रेजी गणितज्ञों के सामने जादुई और अविश्वसनीय थी। ऐसे महान गणितज्ञों का कारुणिक और असामयिक निधन मात्र 39 वर्ष की उम्र में हो गया। रामानुज की करुणिक कहानी चुके हुए अवसर की कहानी है जो ये बताती है कि प्रतिभाशाली विद्वानों को अपने देश में नहीं बल्कि विदेश में पहचाना जाता है। हमारे देश की प्रतिभा को उचित समय पर और उचित सम्मान और आदर नहीं मिल पाया। काश देश गुलाम न होता। रामानुज सचमुच ही अद्भुत विलक्षण और असाधारण गणितज्ञ थे। 19वीं सदी में इन महान गणितज्ञ ने विश्व को अपने परमे और सूत्रों की देन से चकित कर दिया। यदि उन्हें अधिक अवसर मिलते, वे बीमार नहीं होते और धार्मिक रूढ़ियों में जकड़े नहीं होते तो वे अपनी विलक्षण प्रतिभा से गणित जगत को और कुछ बहुत नया दे जाते। तथापि गणित जगत इस युवा गणितज्ञ को हमेशा उनकी अंतर्प्रज्ञायुक्त विलक्षण प्रतिभा के कारण कभी भूल नहीं पाएगा। अगर आपको हमारी मेहनत और वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए।